wasn't expecting you in the office. कैसे आना हुआ? बैठो। ये क्या? और रेजिग्नेश क्यों डिजाइन कर रहे? क्योंकि आप मेरी वालदा के कत्ल में मुलव्वस हैं, या फिर मैं यूं कहूं मिस्टर साहिर जमान सिद्दीकी कि आपने मेरी वालदा का कत्ल किया है। ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? ओ कम ऑन साहिर, तुम ये इनोसेंट बनने की एक्टिंग मेरे सामने मत करो। एटलीस्ट इट डजंट सूट यू। इनफैक्ट तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं पुलिस के पास नहीं गया, वरना इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे होते तुम। करने क्या गए थे तुम मेरी अम्मी के पास साहिर? क्यों मिलने गए थे उनसे? बोलो बोलो गॉड डैम इट। ऐसा क्या कहा तुमने उनसे साहिर? ऐसा क्या किया तुमने कि उनकी जान चली गई? बोलो। जब तक मैं तुम्हारा ये खिलौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब नहीं कर देता, मैं चैन से बैठने वाला नहीं साहिर। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलने के बाद ही मेरी अम्मी की रूह को चैन मिलेगा। समझती हो मैंने तुम्हारी मां का कत्ल किया, फिर मुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस शख्स को तुम सजा किस तरह दोगे जो कि बचपन से अपनी मां के लिए तरसता रहे? तुम अपने आप को मेरा एम्प्लॉय समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना समझता हूं। तुम्हारी मां को अपनी मां समझने लगा था, तुमसे बहुत जिक्र सुना था उनका, बहुत को रोक नहीं पाया, उनसे मिलने चला गया। शहरयार मैं बहुत बुरा इंसान हूं, बहुत बुरा इंसान, लेकिन एक इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है जो बरसों से अपना ही अच्छी तलाश में। तुम्हारा यहां ठहरना जरूरी है, कि मैं तो कह रहा था अपनी बहन को भी हमारे यहां ले आओ। मैंने तो उसकी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। अरे वहम गुमान में भी कैसे आया कि मैं साहिर, साहिर मैं तो बस तुम ठीक कह रहे हो शरिया, मुझे कभी मां का प्यार नहीं मिला तो मुझे दूसरों की वालदा का क्या एहसास होगा? साहिर, साहिर मैं जज्बात में आके बह गया था, मैं जाने क्या क्या बोल गया तुम्हें। I'm really sorry. It's all right. तुम्हें जो लगा तुमने कहा, forget about. इस वक्त तुम्हें अपनी बहन की शादी की तैयारियां करनी चाहिए। तुम्हें जॉब नहीं पसंद तो मुनासिब वक्त पर छोड़ देना, लेकिन इस वक्त ये करना मुनासिब नहीं, वरना तुम्हारी बहन की खुशियां छिन जाएंगी।
I hope you understand. ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं अब्बा, मैं जरूर पप्पा देख रही हूँ, ये कैसे हो गया? ठीक हो गया। अच्छा बस चुप, अब आप आराम करें, ज्यादा बातें मत करें, अगर फिर से कुछ हो गया फिर क्या होगा? मैं बस सबको बता के आ रही हूँ। बताओ बताओ। शरियार, वो अब्बा क्या हुआ अंकल को? ठीक तो है वो? हाँ ठीक हो गए हैं वो। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, वो मुझसे बात कर रहे हैं। What? Really? हाँ। God. मैं अंकल को देख के आता। शरियार? हाँ? तुमसे एक बात करनी थी। बोलो। प्लीज मेक श्योर कि अब्बा ज्यादा बात मत करें, उनका सांस फूलता है और कमजोरी भी है अभी। ओके डोंट वरी। ईशल तुम ठीक हो ना? आर यू फाइन? अरे बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुमने उनकी खिदमत ही इतनी की है कि अल्लाह ने तो शिफा बख्शनी थी। जी अम्मी बहुत खुश हूँ मैं अब्बा के लिए, पता है ऐसे लग रहे जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं थक गई थी उनकी खिदमत कर करके या फिर अपनी जान छुड़वाना चाह रही थी, बल्कि अम्मी अब्बा की वो हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। ईशल बेटा तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता इससे बड़ी एक और खुशी भी है। क्या अम्मी? वो ये है कि तुम खुश हो, बड़े अरसे के बाद मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम खुश लग रही हो। ये खाना अंकल के लिए है? जी। मुझे लो मैं खिला दूँ? नहीं आप रहने दे, मैं खिला दूंगी। बाबा तुम्हें इस घर में कितने और काम होंगे, आई एम फ्री, मैं खिला दूंगा, इट्स फाइन, खिला मुझे दो। ईशल आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। Thank you.
ये क्या होता जा रहा है मुझे, क्यों मैं खुद को उनके सामने कमजोर महसूस करती हूँ। शरियान मेरे, कैसे रोकूं मैं खुद को। आज कितना मजा आया शॉपिंग का। बाकी बहुत ज्यादा मजा आया। क्यों इतना शोर मचाया है? आप ही अंकल बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कहाँ पर है वो? अपने कमरे में ही होंगे। और शहरयार? वो भी कमरे में होंगे उनके साथ। मैं उन दोनों से मिलकर आई। ईशर बाजी, ये देखे आज हमने कितनी शॉपिंग की, बहुत मजा आया। ये देखे, ये ड्रेस आपको अच्छा लगा? कल एक दिन में इतनी मुशक्कत काफी है, प्लीज लाइए मैं आपको खिलाता हूँ, दीजिए मुझे। नहीं नहीं, मैं खुद खा लेता हूँ। साहिर अंकल वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुमल तुम कब आई? मैं बस अभी आई हूँ अंकल, आपको यूं देख के बहुत खुशी हो रही है। अम्मी और बाबा भी जल्दी आपसे मिलने आएंगे। मैं बगैर नौक के आपके रूम में आ गई, आई होप आपने माइंड नहीं किया होगा। मुझे खुशी हो गया। देखिए मैं अब ठीक हो गया। मैं वो आप ही के पास जा रही हूँ। आप ही नायला किधर है? अपने कमरे में होगी। वो मैं देख लेती हूँ। कोमल उसका कमरा बाहर नहीं ऊपर है, पर हो सकता है ना कि वो बाहर हो। मैं देख लेती हूँ। बेटा तुम मेरे रिश्तेदार तो नहीं हो, मगर मुझे बेटे से ज्यादा अजीज हो। फिक्र मत करो, कोमल बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह सब ठीक कर दे। शराफी मैं हेल्प कर दो? नहीं इट्स ओके थैंक यू। हाँ वो कोमल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, आई थिंक वो लॉन की तरफ गया। ओके मैं जाती हूँ। मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने, शायद कमरे में छोड़ आई हूँ। कोमल मैं फ्रेश होने के लिए आई हूँ, मुझे नहीं किसी से बात करनी। ये चलेगा जी? आप कौन? लुक यार आई एम रियली सॉरी, उस वक्त अंकल थे सामने और तो मैंने भी उन्हीं के सामने आपको इशारा किया था, अगर उनको एतराज होता तो मैं ऐसा कभी ना करती। कोमल आई नो यार, बट सी तुम्हारी आपी का काम बहुत बढ़ गया है, इस वजह से अंकल की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। अब उनके सामने ऐसी बातें अच्छा नहीं लगता ना। सब बुजुर्गों की जिम्मेदारी तो आपने ले रखी है,
और मैं सोच रही थी कि आप शादी भी उसी उम्र में करिएगा। कोमल बाबा प्लीज जाने दो, आई एम रियली सॉरी। यू रियली सॉरी? यस आई एम। तो फिर कोई रोमांटिक गाना है? हाँ रोमांटिक गाना अभी यहाँ खुले में। हाँ अभी यहाँ। आर यू सीरियस? कम ऑन, इतने भी बेसुरे नहीं है आप। ओके ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका। मैं अंदर बोर हो रही हूँ और आप लोग यहाँ तफरी कर रहे हैं, मुझे भी बताइए क्या बातें हो रही थी। बताइए। लैला चुप कर जाओ तुम, समझी? बताइए। हाँ बेटा ताहिर का कुछ पता मिला? नहीं अब्बा, उनका फोन ही नहीं मिल रहा। आज बेटा कुछ तो मुझे बताना है। जी अब्बा। अब्बा जी वो आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछा बोल। वो अम्मा क्या उनकी शक्ल मेरे जैसी थी?